हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशेल फुको के जो थ्योरी है पोस्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी, इसके बारे में। ये हमारा यूनिट वन का सेक्शन फोर है। इससे पहले सेक्शन थर्ड तक के सारे थिंकर्स के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप उनको चैनल पे जाकर के सर्च कर लिए, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिए ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। हाँ, मैं जल्दी पेपर वन से रिलेटेड भी समथिंग क्रैश कोर्स टाइप के डालूंगी, तो आप वो भी वॉच करिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ और टेस्ट लूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं संडे संडे को टेस्ट कराऊंगी और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रही हूँ क्वेश्चंस के, तो आप उसको ज्वाइन करिए। इससे आपको क्या होगा कि पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी हुई है, कैसे चल रही है। चलिए देख लेते हैं इनकी कुछ बुक्स। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1963, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट 1975, हिस्ट्री एंड सेक्सुअलिटी 1976, मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले फूको जी जो थे ये पागल हो गए, तो इनको क्या किया गया, जब ये पागल हो गए तो इनको क्लिनिक में डाला गया। जब इनको क्लिनिक में डाला गया तो इनको थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट मिला, फिर चीज़ें थोड़ा सा सही हुई, और फिर जब सही हुई तब क्या हुआ कि इनका जो हिस्ट्री एंड सेक्सुअलिटी के बारे में फिर इन्होंने लिखा। तो ये कुछ बुक्स का मतलब जो सीक्वेंस है वो याद करने का तरीका मैंने बताया, आप इसको इसी तरीके से याद कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि कुछ थ्योरीज हैं। फुको को नवसंरचनावादी माना जाता है, मतलब कि इनको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट माना जाता है। जैसे कि जो डेरिडा थे ये भी पोस्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी से जुड़े थे, और फुको भी। तो जो आपके मार्क्स थे, इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को माना, और संरचना को समझने के लिए लेविस्ट्रॉस ने विनिमय को विशेष महत्व दिया, आपके बोर्डियो ने लॉजिक पे दिया और संचार पे फोकस करा है हैबरमास ने, उसी तरीके से फुको ने विमर्श पे बहुत अधिक जोर दिया है कि जब विमर्श बदलता है तो संपूर्ण संरचना बदलती है, और अगर हमें पूरी संरचना को समझना है तो हमें विमर्श को समझना पड़ेगा। विमर्श क्या होता है, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि विमर्श एक्चुअल में होता क्या है। तो विमर्श का मतलब होता है कि एक विशिष्ट ज्ञान के संदर्भ में एक ऐसा सामान्य अर्थ, मतलब कि किसी भी चीज़ के संबंध में एक सामान्य अर्थ जिसको कि सारे लोग उसको सामान्य ही लगाते हैं। जैसे कि एक सामूहिक चेतना उन्होंने बताया था सोशल फैक्ट से रिलेटेड दुर्खीन ने, सेम थिंग इन्होंने बताई है कि डिस्कोर्स का मतलब है कि एक कॉमन चीज़, जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों को मिलकर के किसी चीज़ पे हमने डिस्कस किया, फिर वो जो कॉमन चीज़ निकल करके आती है वो है डिस्कोर्स। यानी कि किसी भी तथ्य पर या किसी भी बात पर एक सभी का जो सामूहिक सोच है, कॉमन थिंग है, वही है डिस्कोर्स। हमारे दिमाग में हर चीज़ को लेकर के एक अलग डिस्कोर्स होता है, पढ़ाई को लेकर के अलग और बाकी संस्थाओं को लेकर के अलग, तो सभी से रिलेटेड अलग अलग डिस्कोर्स होता है। इन्होंने पागलपन को भी एक डिस्कोर्स माना है, मतलब पागलपन कोई चीज़ नहीं है बल्कि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें सेट हैं कि जो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा तो उसको हम पागल मानेंगे, थोड़ा ज़्यादा अजीब टाइप के बोलेगा, अजीब टाइप के हरकतें करेगा, तो उसको हमने दिमाग में पहले ही हमारे एक विमर्श है कि हम उसको पागल मानेंगे। इन्होंने माना कि जो कामुकता का संबंध है ये शक्ति और ज्ञान से है, नैतिकता से, मतलब कि जो अभी का जो रिलेशनशिप है जिसको सेक्सुअलिटी है, इसको पहले नैतिकता से जोड़ा जाता था, अभी उसका शक्ति और ज्ञान से इन्होंने कनेक्शन कर दिया। और ये जो ज्ञान और शक्ति हैं ये हमारे सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती हैं, मतलब कि ये जो थे ये नीचे से प्रभावित थे। तो इनका कहना था कि जिसके पास भी ज्ञान होगा उसी के पास शक्ति होगी, इसीलिए इन्होंने ज्ञान के पुरातत्व की भी खोज करी, मतलब ऐसा बताया, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कि जो ज्ञान है उसी के पास शक्ति होगी। ये ज्ञान जो है ये शक्ति का आधार है। इन्होंने विमर्श के तीन स्वरूप बताए। पहले जो विमर्श होता था तो वो समूह मतलब पूरा एक सोसाइटी निकल करके आती थी, पूरे समूह में होता था, फिर समूह के बजाय व्यक्ति का खुद का विमर्श होने लगा, और जो थर्ड स्टेज अब आई है ये विमर्श अब वस्तुनिष्ठवादी हो गया है।
अभी हम तर्क लगाते हैं सारी चीजों को, और जो हमें रियलिटी दिखाई देती है तर्क के आधार पर हम उसी को मानते हैं। तो अब जो विमर्श है वो वस्तुनिष्ठवादी हो गया है। इनका कहना था कि हम रियलिटी तक कभी जा ही नहीं सकते हैं। जो अभी उत्तर आधुनिकता है, इसके बारे में इन्होंने कहा कि जो उत्तर आधुनिक युग है, इसमें हम क्या है, छवियों और प्रतीकों में जीते हैं, और जो छवियां और प्रतीक हैं ये स्वयं में अज्ञात हैं। मतलब कि हमने हर चीज़ का एक प्रतीक बना लिया, हर चीज़ की एक छवि हमारे दिमाग में है, इसीलिए हम कभी सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। हम हमेशा छवियों और प्रतीकों में ही घूमे फिरे रह जाते हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य का अपने जीवन पर खुद का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। मतलब फुको का मानना था कि जो भी वो चीज़ें करता है, हम जो चीज़ें करते हैं, जो मनुष्य जो चीज़ें करता है, वो सब कुछ उसके विमर्श के आधार पे, उसके डिस्कोर्स के आधार पे, जिसका डिस्कोर्स जैसा होगा, जिसके दिमाग में जिसका जैसा डिस्कोर्स होगा, वो वैसी ही क्रियाएं करेगा। इन्होंने पांच मेनली थ्योरी बताई हैं, जिसमें कि जो इनकी पहली है दैट इज वर्तमान। तो वर्तमान क्या होता है? वर्तमान का मतलब होता है वो चीज़ जो कि हमारी जो घटनाओं को, जो हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, हमारी घटनाओं को आकार देती है, दैट इज वर्तमान। आनुवांशिकी क्या है? वर्तमान को हम जब लगातार टेस्ट करते हैं, लगातार वर्तमान को परीक्षण करते हैं, तो एक हायरार्की, एक मतलब इतिहास वो बन जाती है, जिसको कि आनुवांशिकी कहेंगे। मतलब भूतकाल के अनुभवों के आधार पर जो कि हम वर्तमान को लगातार परीक्षण करते हैं, तो इसको इन्होंने आनुवांशिकी कहा है। तकनीकी क्या है? तकनीकी वर्ड इन्होंने मार्सल मॉस से लिया था। मॉस ने कहा था कि ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो जिस चीज़ की पुनरावृत्ति हो, जिसके आधार पर हम समथिंग कुछ नया सीखें, कुछ नया इनोवेटिव कर सकें, दैट इज टेक्नोलॉजी। इनकी एक बहुत ही फेमस थ्योरी है सत्ता की सूक्ष्म राजनीति। इन्होंने माना कि जिसके पास नॉलेज है उसी के पास सत्ता आएगी, उसी के पास पावर आएगी, इसी को इन्होंने सत्ता की सूक्ष्म राजनीति कहा है। और शक्ति की सूक्ष्म भौतिकी यानी कि माइक्रो फिजिक्स ऑफ पावर भी इन्होंने बताया है। फिर डिस्कोर्स, डिस्कोर्स जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी लोगों के जो थॉट्स होते हैं उसमें से जो एक कॉमन चीज़ निकल कर के आती है किसी भी चीज़ पे, दैट इज डिस्कोर्स। यही फुको का मेन थ्योरी है डिस्कोर्स का। और पागलपन और सभ्यता को इन्होंने माना है कि ये डिस्कोर्स के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। चाहे वो आपके पागलपन हो, चाहे सेक्सुअलिटी हो, चाहे आपकी सभ्यता हो, ये सारी चीज़ें डिस्कोर्स के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। तो एक तरीके से हमारे संपूर्ण जीवन को डिस्कोर्स ही नियंत्रित करता है। इनका मानना था कि जो अपराध है ये पूंजीवाद का शत्रु है, और जैसे जैसे जिस भी सोसाइटी में अपराध होंगे देन पूंजीवाद थोड़ा सा खतरे में आएंगे, इसीलिए जो पूंजीवादी समाज है ये इनको नियंत्रित करने की कोशिश करता रहता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।